everything I ever loved are here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. No, यही तुम्हें नहीं करना है. You do not have to block your calls. Hey everyone, hey lovely people, beautiful, adorable souls. तो जैसे कि आपने मेरे टाइटल में देख लिया और आपने मेरे इंट्रो में भी कुछ कुछ हिंट आपको अगर मिला हो, जिस बारे में बात करने वाली हूँ आज, दिस इज द टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड वाई आई एम गोना टेल यू दैट. तो क्या है ना कि सिंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं हमेशा उन लोगों में से रही हूँ, उन बच्चों में से रही हूँ हु यूज टू थिंक बियॉन्ड, जो ना हमेशा बहुत अलग सोचते थे. और मतलब उनको लगता था ना देयर इज वेरी मच इन दिस वर्ल्ड विच इज येट टू बी अनफोल्डेड. आई वाज द वन जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाती थी. मेरे को कभी भी मीडियोकर बनना पसंद नहीं आया. मैंने कभी भी वो नहीं किया है जो सब कर रहे होते थे. आई वॉज ऑलवेज द वन हु यूज टू स्टैंड आउट. और ये मैं क्वालिटी में लेती हूँ अपनी, मतलब ये चीज़ मुझे मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी इस चीज़ ने मुझे लाइफ में हमेशा एंथ्यूजियास्टिक रखा है. नो मैटर सिचुएशन कितनी भी लो क्यों ना आई हो, लेकिन मैं हमेशा आई वॉज द, मतलब मैं हमेशा ऐसी रही हूँ इस वजह से अपनी, कि हमेशा एक फ्लाई करने वाला जो एक वो होता है ना, कि अंदर एक होता है हमारे कि येस आई कैन फ्लाई, वो वाली एक जो अर्ज होती है वो वाली मेरे अंदर जिंदा रही है. एंड आई थिंक अगर आपके दिल में ऐसी उमंग है जीने की, तो तुम कभी जिंदगी में लो फील कर भी लो तो टाइम नहीं लगेगा तुम्हें दोबारा से उठने में. लेकिन पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अलग है, वेरी डिफरेंट. लेकिन क्या है ना कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल ये बोल दिया जाता है कि इतना बियॉन्ड क्या सोचना, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स इम्पॉसिबल. अब लाइक इन माई केस एनी थिंग इज पॉसिबल. मैं बिल्कुल, मतलब आई एम इन रिसीविंग मोड, मैं हमेशा रिसीविंग मोड में रही हूँ. मेरे लिए हमेशा चीज़ें पॉसिबल है एंड आई एम वेरी ओपन टू चेंजेस. लेकिन लोगों की जिंदगियों में ऐसा नहीं होता है ड्यू टू देयर लिमिटिंग बिलीव्स एंड द एटमोसफेयर अराउंड दैम. जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे थे, आप बच्चे थे, तो याद करो आप कितना ज़्यादा फुलफिलिंग और ज़िंदगी को इंजॉय करने वाले थे, राइट? आपने कभी कुछ नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा, और आपने कभी भी इन चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. आप हमेशा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते होंगे, और मतलब आप बस, आपको आसपास की चीज़ें ये कुछ नहीं सुनते होंगे, आप बस सोचते होंगे कि ये हो सकता है. और क्या होता है कि बचपन में हमारे टीचर्स हमको यही बोलते हैं. अब जैसे आजकल जो स्कूल्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या है कि हम लोगों को ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बोला जाता है कि नो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग करो. जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ ना, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द टीचर्स वहाँ पे. वो इतना ज़्यादा बच्चों को क्रिएटिव बनाते थे. मतलब मैं कुछ तो नेचुरली ऐसी हूँ, लेकिन कुछ ना उन लोगों ने इतना, मतलब वहाँ के टीचर्स ने और स्टाफ ने हमेशा ना हम लोगों को ऐसे मोटिवेट किया है कि मतलब वो हमेशा ना हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ही बोलते थे. तो मोस्टली स्कूल्स अच्छा ऐसे ही हैं. तो फिर आप जब भी आप बच्चे हो गए, तो फिर आपके टीचर्स ने आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देते थे, इस तरह की चीज़ें देते थे, बोलते थे कि कुछ डिफरेंट करके लाओ, अगर तुम डिफरेंट करोगे तो तुम जो हो
मतलब यू विल बिकम फर्स्ट और तुम्हें प्राइज मिलेगा एंड ऑल दैट. तो उस चक्कर में ना हम कहाँ कहाँ तक सोच लेते थे, याद करो. हम बिल्कुल नहीं रोकते थे खुद को सोचने से, और हम बहुत ऊँचा और बहुत दूर का सोच लेते थे. और जो हमें लग रहा होता था कि हम बस ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ यहीं तक, मतलब हमें हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारी प्राइजेस तक सीमित है, लेकिन नहीं, वो हमारे दिमाग को उड़ान दे रहा था. और जब हमारे दिमाग खुल जाता है ना, लिमिटलेस हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, और हम लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत खुल जाते हैं हम ज़िंदगी को लेके. लेकिन जैसे जैसे फिर हम बड़े हुए तो हम लोगों को फिर बताया गया कि यही एक लिमिटेड चीज़ है, एक लिमिटेड दायरा है, इसी में ही आप जा सकते हो. यही कुछ पर्टिकुलर जॉब्स हैं और इन्हीं को आप सोच सकते हो. मतलब फॉर एग्जांपल जॉब्स, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी, मतलब हम लोग को ये बोला जाता है, राइट. लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देयर इज सो मच बियॉन्ड. जितना हम इमेजिन कर सकते हैं ना, उसके भी पार हैं चीज़ें. तो सोचिए कितना कुछ है यहाँ पे, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है. हमारे दिमाग में कुछ बाहर का नहीं आ सकता, हमारे दिमाग में वही आ सकता है जो है. और अगर हम अपने आप को वही सोचने की परमिशन नहीं दे रहे हैं जो है, तो हम तो कितना छोटा सा, इतना सा पार्ट सिर्फ जी रहे हैं लाइफ का. फिर हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं भगवान को कि यार हम लोग इतना ज़्यादा, मतलब परेशान क्यों रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं रही. अच्छा, आपने वो बुक पढ़ी है एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट? यू नो, वो मेरी जर्नी की पहली किताब है जो मैंने पढ़ी थी. एंड सच में मैं समझती हूँ दैट वॉज द गाइडेंस, प्योर गाइडेंस फॉर मी. वो बिल्कुल गाइडेड बुक थी मेरे लिए. तो वो बुक में क्या है ना, जो उसमें कैरेक्टर है ना, वो अननोन में टैप इन करता है. वो बस चलता जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसे कुछ नहीं पता होता उसकी लाइफ में आगे क्या होगा, बस वो चलता जाता है. एंड लास्ट में उसको जो मिलता है ना अपनी ज़िंदगी में, दैट वॉज ऑल्सो बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन. क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ बिलीव किया होता है. अगर आपके अंदर वो अर्ज है ना, अगर आपको इंट्यूशन आती है कि यू आर मेड फॉर समथिंग, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, कुछ आपको लग रहा है, यू आर गेटिंग सम कॉलिंग, डोंट इग्नोर दैट. ट्रस्ट मी, वो सच्ची है. और अगर आप उस पर चलो, हाँ माना दैट इज़ अ नोन, बट अगर आप उस कॉलिंग पे चलो, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंड अप इन समथिंग वेरी मैजिकल. वो अभी आपको दिख नहीं रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को वो इजाज़त भी दो ना, भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कि देर इज समथिंग बियॉन्ड, जो है कुछ है जो बहुत प्यारा है, जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, और अगर आप उसमें चलने की खुद को परमिशन दे रहे हो, सो ट्रस्ट मी, यू विल एंड अप टू समवेयर. तुम भी, मैं भी, हम लोग ऐसी जगह जाएंगे हमने सोचा नहीं होगा, क्योंकि यू नो व्हाट, गॉड्स प्लान्स आर फार फार बेटर देन आर्स. हम लोग सिर्फ इतना सोचते हैं, उन्होंने इतना सोचा होता है, उन्होंने बहुत कुछ बनाया. देर इज सो मच इन द यूनिवर्स, देर इज सो मच अबंडेंस, भर भर के चीज़ें हैं लाइफ में, इतना कुछ है. लेकिन यू नो व्हाट, हम लोगों को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना ज़रूरी है. और हम फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करते हैं, वाइब्रेशन हम वहाँ तक कैसे ले जाते हैं अपनी, बाय ओपनिंग आर माइंड्स, अपने आप को बड़ा करके, अपने इमेजिनेशंस को खोल के और पंख दे के. गिव योर सेल्फ द विंग्स, जो तुमने काट लिए थे ना कुछ सालों पहले स्कूल से निकलने के बाद, वो दोबारा से लगा लो. गिव योर सेल्फ फुल परमिशन कि भाई उड़ यार, तू उड़, तुझे जिधर जाना है तू जा, तू खोल. एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको लग रहा है कि दैट्स नॉट पॉसिबल इन योर केस, और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, ट्रस्ट मी, आप अपने आप को बस ये आप अपने आप को परमिशन दे के देखो एक बार कि यार नो मैटर क्या है मेरे सामने, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने प्रेजेंट से, तो बस अपने आप को ये परमिशन दो एक दिन कि मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं उधर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना. तो सिर्फ जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दोगे ना कि नाउ शी हैज़ बिकम, ही हैज़ बिकम लिमिटलेस, और अब इसको नहीं रोका जा सकता, ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए जो दरवाजे वो खुलेंगे. अगर तुम वो जो इमेजिनेशंस जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में वो फ्लैशेस आते हैं ना,
वो चित्र आते हैं कहीं से उड़ते हुए बड़े प्यारे से, जो तुम्हें बहुत प्यारा सा फील कराते हैं, आते होंगे, ज़रूर आते होंगे, लेकिन तुम सिर्फ उन्हें सोचते नहीं हो कि अरे क्या सोच रही है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्या मैं क्या डुलुलु में क्यों जी रहा हूँ। लेट मी टेल यू, डुलुलु इज एक्चुअली द सोलुलु। तो उन अब उन चित्रों को ना आने दो, अपने अंदर भर जाने दो, अपनी रोम रोम को उन चित्रों से खिल जाने दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिर तुम्हें और आगे के रास्ते खुद मिलेंगे। जब तुम एक बार बस स्टेप इन कर दो उस अननोन में, जस्ट स्टेप इन, और इतना करने पे तुम्हें आगे क्या क्या मिलता जाएगा, क्या क्या मिलता जाएगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, तुम्हें गाइडेंस खुद मिलेगी, तुम्हारे रास्ते खुद बनेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ दरवाजे खुलेंगे, एंड सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होगी, यू विल बी द हैप्पीएस्ट। और जो जिंदगी जो तुम्हें लगती है बोर है आज, ये बोरिंग नहीं होगी, इट विल बी वेरी मच एडवेंचरस। जो तुम जिंदगी जी रहे होगे ना, भले ही तुम एक कमरे में क्यों ना रहो, बट यू विल ऑलवेज फील लाइक यू आर ऑन सम काइंड ऑफ एडवेंचर इन टू द अननोन। कुछ लेकिन तुम्हें पता होगा कि कुछ भी हो, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल विच इज कॉलिंग यू, इतना तुम्हें पता होगा। और एक बहुत ही ना तुम एक्साइटेड रहोगे हमेशा हर दिन के लिए कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी, जब हम उस रास्ते पे चलते हैं ना, तो हर दिन एक नई चीज़ होती है जो हमें पता होती है सिर्फ, और किसी को नहीं पता होती। एंड इट्स वेरी मच एडवेंचरस, बहुत अच्छा है ये सब कुछ। जो तुम्हें लग रहा है ना कि सिर्फ कहानियों में होता है, एक्चुअली में वो सच होता है, और वो बहुत प्यारा होता है, और वही होता है जो तुम्हें इंटरनल हैप्पीनेस देने के लिए बना है। लेकिन ऑल यू हैव टू डू इज सरेंडर, एंड ट्रस्ट मी, सरेंडर नेवर गोज रॉन्ग। सरेंडर जो है ना वो रियल है, और सरेंडर करने पर ही तुम्हें अंदर का सुकून मिलता है। सो इफ यू आर नॉट मीडियोकर, और अगर तुम मीडियोकर बनना नहीं चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग ब्यूटिफुल, यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड एन एक्सपीरियंस, चलो बेटा अननोन में चलो। भाई मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी जगह है। बात सच में बहुत गहरी थी, इसको सच में समझना। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। बाय, टेक केयर।